भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष और पार्षद पति अरुण चौरसिया ने नशे की हालत में एक पुलिस वाले से मारपीट की और पुलिस को सबक सिखाने की धमकी दे दी। इसके बाद पुलिस ने भाजपा नेता की हेकड़ी निकाल दी और उसका जुलूस निकाल दिया। मध्य प्रदेश के मैहर में एक बार फिर खादी के आगे खाकी शर्मसार हो गई। पार्षद पति व भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अरुण चौरसिया की गुंडागर्दी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो भाजपा की रीति नीति से मेल नहीं खाता। बताते हैं कि नशे में धुत पार्षद पति और बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष ने पुलिस कर्मी पर ही हाथ साफ कर दिया। दरअसल मामला दुर्गा प्रतिमा के चल समारोह के दौरान का है, जब वार्ड नंबर 12 की निर्दलीय पार्षद अर्चना चौरसिया के पति को उस समय गुस्सा आ गया जब वो चल समारोह में मदहोश होकर नाच रहे थे। तभी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी गुड्डू यादव ने उन्हें चल समारोह आगे बढ़ाने को कहा तो पार्षद पति को यह बात नागवारा लगी और वो भड़क गए। उसने पुलिसकर्मी को थप्पड़ रसीद कर दिया। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने 24 घंटे बाद तब संज्ञान लिया जब घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हालांकि पुलिस ने आनंद फानन में आरोपी पार्षद पति एवं बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष अरुण चौरसिया को गिरफ्तार कर उसका जुलूस भी निकाला। इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में खादी के आगे खाकी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे नेता आम लोगों का क्या हाल करते होंगे। पहले उसने रिक्शे को हटाने के लिए कुछ बात कही, जिसके बाद उससे आपत्तिजनक बात कहके उसके साथ झूमा झटकी की गई है। इस संदर्भ में पुलिस ने मुकदमा कायम किया है और संबंधित जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और जितने भी लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।